हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल में गुड़िया। आज आप लोगों के लिए बिना लहसुन प्याज के छोले आलू की सब्जी लेके आई हूँ, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनके लिए सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो मैंने ले ली है अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर। आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग और जो ग्रेवी जितनी आप लें उस अकॉर्डिंग आप टमाटर, मिर्ची, अदरक ले लें। तो मैंने जार में डाल दी है अदरक और मिर्ची को भी कट करके डाल दूंगी इसमें मैं, और टमाटर को डाल के अच्छा सा एक पेस्ट बना लूंगी। तो इस सब्जी को आप किसी भी भोग में भी बना सकते हैं, और बहुत से लोग बिना लहसुन प्याज की सब्जी को खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो अब मैं अच्छा सा पेस्ट बना ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने रख दी है कढ़ाई और इस सब्जी को मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। आप जो ऑयल, कुकिंग ऑयल खाते हैं वो ले लें। वैसे तो अधिकतर सब्जियाँ मस्टर्ड ऑयल में ही खानी चाहिए, सब्जियों का टेस्ट अच्छा लगता है। तो ऑयल हमारा गर्म हुआ तो उसमें मैंने डाल दिया तेज पत्ता, 4-5 काली मिर्ची और 2 लौंग। उसके बाद जो ग्रेवी हमने बनाई थी टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक की, उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको 2 मिनट तक अच्छे से मैं भून लूँगी, जब तक कि ऑयल इसके ऊपर ना तैरने लगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सारे अपने सूखे मसाले। तो देखिए मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर थोड़ा सा आप ज़्यादा डालें क्योंकि ग्रेवी हमें ज़्यादा चाहिए। तो मैंने डाल दिए 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्ची, और ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये है कसूरी मेथी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है, और अच्छे से आप मिक्स करके मसाले को भून लीजिए। मसाले को धीमी धीमी आंच पर आप भूनेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, और आप देखिए कि ग्रेवी का कलर कितना अच्छा हो गया है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो सारे मसाले, नमक और जो जो मैंने डाले हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और ये हैं छोले, जिनको मैंने रात में पानी में डाल के रख दिया था, और सवेरे नमक डाल के उबाल लिया था, और साथ में आलू भी उबाल लिए थे मैंने। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन गया है, और कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने छोले और आलू को उबाला हुआ था वो। तो आप इन छोले और आलू को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और आपको जिस तरीके की ग्रेवी चाहिए सब्जी में उतना आप पानी ऐड कर लें। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए, सूखे आलू छोले बनाना है, तो पानी ऐड ना करें, और जितनी ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर लें। तो देखिए ग्रेवी का कलर कितना प्यारा आया है, सब्जी हमारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि सब्जी अच्छे से पक गई है, और कलर टेक्सचर भी बहुत प्यारा आया है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और बिना लहसुन प्याज की सब्जी बन के हो गई है रेडी। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और देखिए कितनी प्यारी सब्जी लग रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दे